बुलबुल बेटा मूर्ति हो गई जी मासा हो गई देखिए शिव दिखाओ अरे कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है सच में बहुत प्यारी है मैं ना ये बाकी सजा देती हूँ ठीक है मूर्ति तो बना ली लेकिन प्रसाद प्रसाद का क्या वो बनाया ओले आपकी पदोन्नति हो गई लेकिन उसके बावजूद आपने मारे को एक मिठाई तक ना खिलाई कम से कम एक मालपुआई खिला देती पदो व्हाट पदोन्नति प्रोमो प्रमो भाभी प्रमोशन प्रमोशन वो हो गया ना आपका क्योंकि मारे को तो लगा था कि आप सिर्फ एक वकील है लेकिन आप तो जज्सा की तरह मारे को ऑर्डर दे रही है वो ऐसे और वो ऑर्डर ऑर्डर बुलबुल तुमने प्रसाद बनाया क्या ऑर्डर ऑर्डर बुलबुल तुमने ये किया क्या चिची बनी जेठानी सा मैं सिर्फ अपनी मासा के दिए हुए ही ऑर्डर मानती घर में घुसी किसी मधुमक्खी के ना राभी का छल्ला जिसके हाथ मानी जाएगी उसकी बात तो भूल मत अपनी औकात देवरानी सा महारानी मालकिन सा सिर्फ चाबियों से ना कोई भी मालकिन ना बन जाती उसके लिए वैसे काम करने होते जाइए जाकर पूजा के लिए तैयार हो जाइए वरना आपको देरी हो गई तो मैं भी देखती हूँ ये चाबियां कितनी देर तक आपकी कमर को सजाए रखती भाइयों भाई साहब हाँ भाई एक मिनट इधर अब जी देखिए मैं जानती हूँ आपको काम करना ना बिल्कुल पसंद है लेकिन हमारे लिए एक छोटी सी मदद करेंगे सिर्फ एक बार बाजार जाकर आएंगे अरे भाभी आपके लिए तो जरूर जाऊंगा और अगर आप दृष्टि के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हो उसके लिए तो मैं वायुदेव की स्वीट से जाऊंगा आप बस सामान बताएं क्या लाना ओले ऑप्शन भी आपको वायुदेव बनकर वायु की गति से जाना मैं आपको बताती हूँ सामान क्या लाना ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो बुलबुल जाओ जाकर तैयार हो जाओ सब लोग आते ही होंगे पूजा के लिए निकलना है जाओ जाके तैयार हाँ, लेकिन आप मैं जल्दी तैयार हो जाती तुम्हें समय लगता है इसलिए तुम जाओ तैयार हो जाओ हाँ हाँ माँ मैं मार्केट से आता हूँ ये बुलबुल की बच्ची से ये चाबियां हड़पने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही है कोई बात नहीं मैंने भी अपनी कमर कस ली है मुझसे ये चाबियों का छल्ला तू देख के दिखा बुलबुल हाँ गौरी बोलो यशोदा नीचे आओ बात करनी है तुमसे आप सब यहाँ क्या बात है हमारे माखन को बचाओ यशोदा तुम्हारे काना ने हम सबके घर का माखन चट कर दिया अपने घर का माखन तो छूता भी नहीं है वो देखो कैसे भरा है बस हमारे घर का माखन खाता है वो यशोदा माखन चोर है तेरा काना आज तो रंगे हाथ पकड़ा है मैंने किंतु भाग गया वो नटखट आज बस आने दो उस माखन चोर को ऐसा दंड दूंगी कि सारी चतुराई भूल जाएगा वो कान्हा 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 आ गया माखन भी ले आया बैठोर खाओ लो खाओ पत्ते लाए हो हाँ
तुम सब खाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ। सब जानते हो कहाँ जा रहे हो? राधा के पास माखन खिलाने। ये राधा कहाँ चली गई? राधा, राधा। कान्हा, अरे ओ कान्हा, कहाँ है कान्हा? आज तुम इसे छोड़ूंगी नहीं। कान्हा, कान्हा। राधा, राधा तुम कहाँ हो? और राधा का स्वरूप प्रतिबिंब होगा। ध्यान रहे चुड़ैल, इसमें धोखे की गुंजाइश नहीं है। अगर सूर्यास्त से पहले वापस नहीं आई तो इस करतन का असर उल्टा हो जाएगा। रचना भी मरेगी और उसका बच्चा भी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूर्यास्त से पहले मैं आ जाऊंगी। मत करना मेरी जान, तुम्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मरने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तो मैं दिया बन गई हूँ, रूखी सूखी बेचारी सी दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मोक्ष, मैं तुम्हें। निशिकंदा, ये बाहर कैसे निकली? ये तो चक्रव्यूह के अंदर थी, ये बाहर कैसे निकली? महासूर मोक्ष, अच्छा हुआ मैं यहाँ टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये गंध किसी मानव की तो नहीं लगती। इसका मतलब जरूर यहां पर काली शक्ति आई थी। कौन हो सकता है जो? मोक्ष, क्या हुआ था? कैसे हुआ है एक्सीडेंट? पता नहीं, अचानक से गाड़ी के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और मेरा बैलेंस लूज हो गया। तो निशी, मुझे बस तुम ही याद आई।